प्रकृति की खूबसूरती अब वापस से दिखने लगी। सभी नदी नाले मानसरोवर जितने साफ दिखने लगे। तरह तरह की पक्षियां वापस से दिखने लगी। आसमान फिर से साफ और नीला दिखने लगा। ये सोता हुआ जानवर मैं हूं। ठीक सुना आपने, जानवर। क्योंकि मेरा काम है सिर्फ उठना और जैसे तैसे जिंदा रहना। मैं उन बचे हुए 2% लोगों में से हूं जो बीती हुई महामारी में जिंदा बच गए। लेकिन मेरी जिंदगी भी बहुत मजेदार है। लगता है जैसे इस प्रकृति ने मुझे गोद ले लिया हो। ये हवाएं, ये पेड़ पौधे, ये नदियां, अब यही मेरा परिवार है। पिछले 3 सालों में मैंने इस कुत्ते के अलावा और किसी को नहीं देखा। लेकिन हाँ, उन जिंदा लोगों से ज्यादा प्यार मुझसे ये करती है। अब पैसों की चिंता नहीं रहती। अब चिंता रहती है कि रोज सिर्फ कुछ खाने के लिए मिल जाए। अब पता चला कि जिन चीजों के लिए हम पैसे देते थे वो तो इन जंगलों में भरी पड़ी हैं। ये यहाँ की रोज की बात है। लेकिन क्या करें, जिंदा रहने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। अब ना पैसों की टेंशन, ना काम की टेंशन। बस हर सुबह उठो और हर पल खुशी से बिताओ। मैं भी बहुत अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास भी स्विमिंग पूल है। बस यही है मेरी जिंदगी, जिसमें सिर्फ आराम ही आराम है।
इंसान इसी ज़िंदगी को पाने के लिए तो पैसे कमाता था, लेकिन आज देखो बिना पैसों के मैं ये ज़िंदगी जी रहा हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि ना जाने हम इंसानों के साथ ऐसा क्यों हुआ। इसका जवाब एक शब्द में है, कर्मा।